बहुत अच्छी बात है, ये क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छा है। आज सभी लोग ये जानना चाहते हैं कि हम कैसे पता करें कि हमारे घर में वास्तु दोष है, वास्तु दोष किस कारण से है और हम इसका उपचार क्या कर सकते हैं। हम साथ में ये भी बताएंगे, वास्तु दोष घर में है कुछ लक्षणों से पता लग सकता है। 90% लोग ये नहीं जानते हैं कि ये लक्षण अगर आपके घर में बार बार उत्पन्न हो रहा है तो आप समझें कि घर में वास्तु दोष है, तो उसका उपचार आप खुद कर सकते हैं मेरी इस वीडियो के बाद, क्योंकि इसमें पूरा डिटेल हम आपको देने जा रहे हैं। घर में आप जितने भी रहने वाले सदस्य हैं, 2, 4, 5, वह अगर बार बार नेगेटिव हो रहा है, पॉजिटिव वह बात कर ही नहीं रहा है, इसका मतलब कि लक्षण आ गया कि घर में कहीं ना कहीं वास्तु दोष है, जिसके कारण पूरे ऑरा मंडल नेगेटिव हो रहा है और उस घर में रहने वाले जो लोग हैं वह नेगेटिव हो रहे हैं। दूसरी बात है कि दूसरा लक्षण, अगर आपको ये दिखने लगे कि घर में कोई भी व्यक्ति बार बार किसी बात पर लड़ाई झगड़े पर उतर जाता है, बहुत चिल्ला के बात करता है, समझें, सावधान हो जाएं कि आपके घर में वास्तु दोष है। किन कारण से है वो अब हम पता लगाएंगे कि ये कारण से है, वह आगे के वीडियो में बताएंगे। अगर आपके घर में बार बार आर्थिक तंगी आ रही है तो आप समझें आपके घर में वास्तु दोष है। अचानक सभी स्वस्थ हैं, बिना किसी कारण से कोई व्यक्ति बीमार हो गया, आपके घर में बार बार बीमारी आ रही है, डॉक्टर का चक्कर लगाना पड़ रहा है, इसका मतलब समझें कि घर में वास्तु दोष है। ये सारे दोष, ये लक्षण आपके घर में उत्पन्न हो रहा है तो ये सीधी सी बात है कि घर में वास्तु दोष है। अगर इस वास्तु दोष को ही हम दूर कर दें तो ये समस्या दूर हो सकती है। अब देखिए, ध्यान से समझिए, 5 तत्व के एनर्जी पर पूरा वास्तु के नियम टिके हुए हैं। वास्तु के जो जनक विश्वकर्मा जी हैं, उनका ये कहना है विश्वकर्मा प्रकाश में कि घर में बार बार ये सारे लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं तो आप समझो कि वास्तु दोष है, या इसको यूं समझ लें कि घर में वास्तु दोष के कारण ये लक्षण आपको दिखने लगता है। तो ये सब इन्हीं कारणों को जानने, समझने और इससे हम निजात पाने के लिए वास्तु शास्त्र का अध्ययन करते हैं, जानते हैं, समझते हैं। आज पूरे विश्व में वास्तु शास्त्र के प्रति इतनी जागरूकता क्यों हो गई है? क्योंकि व्यक्ति जो है, सभी को चाहिए पैसा, सभी को चाहिए घर में सुख समृद्धि, ऐश्वर्य का जीवन, तो ये सब प्राप्त करने के लिए व्यक्ति जागृत है और कुछ न कुछ रिसर्च में लगा हुआ है, और साथ ही जो आसपास के वातावरण हैं वह वातावरण भी उसको सपोर्ट कर रहा है। अर्थात जब आप जानते हैं कि आपकी शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा होता है, क्योंकि अज्ञानता के कारण ही किसी समस्या, जिस समस्या के कारण आप बर्बादी की ओर जा रहे हैं, उससे आप निजात नहीं पा पाते, उससे छुटकारा नहीं पा पाते हैं, तो ऐसे स्थिति में आपको अपने घर के वास्तु के संबंध में जानना चाहिए। हम आ रहे थे कि 5 तत्व की एनर्जी पूरे घर में कार्य करता है, ये 5 तत्व घर में असंतुलित है तो वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है। अर्थात एक तत्व का जो पूरा क्षेत्र है, उस तत्व में अगर दूसरा तत्व, उसके एनिमी तत्व, उसके एंटी तत्व, उसके दुश्मन का तत्व आप प्रवेश करवा देंगे, चाहे वो कलर के द्वारा या उनके एलिमेंट के द्वारा, तो निश्चित घर में वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है। दूसरी बात है कि वास्तु दोष जो है घर में निगेटिव एनर्जी डेवलप होने के बाद होता है, कुछ बाहरी एनर्जी भी आ जाती है, और घर में जो आपके सामान हैं उसकी अगर देख रेख सही नहीं करते हैं, घर में धूल इत्यादि है, सामान अव्यवस्थित पड़ा हुआ है, खराब सामान जिसका आप उपयोग नहीं कर रहे हैं वह भी घर में है, तो ये सब भी वास्तु दोष
उत्पन्न करते हैं। तो आप कारण समझ रहे हैं कि किस कारण से घर में वास्तु दोष उत्पन्न होता है। अब इससे हम छुटकारा कैसे पा सकते हैं? सबसे पहले आप अपने घर का रोगन रंग रोगन बल बिल्कुल व्यवस्थित करवाएं, अर्थात कैसा करवाएं। एक ही कलर अगर घर में करवाना चाहते हैं तो पूरे घर में ऑफ वाइट करवा दें, वाइट करवा दें पूरे घर में। लाइट कलर कोई भी करवा दें तो वह अच्छा रिजल्ट देगा। केवल ध्यान रहे कि कहीं पर अगर ऐसे स्थान पर आप डार्क कलर करवा दिए जो उसका स्थान ही नहीं है, दूसरे तत्व में जा करके वह वास्तु दोष उत्पन्न करने लगेगा। तो सबसे पहले आप समझे कि कलर के द्वारा हम संतुलित कर सकते हैं। अब घर का मेन डोर है, उससे एनर्जी नेगेटिव या पॉजिटिव आपके घर में आती जाती है, तो उसको पॉजिटिव करें। घर के मेन डोर को सबसे पहले वास्तु के हिसाब से, पद के हिसाब से लगाएं। अच्छे पद में, अच्छे देवता के स्थान पर अगर आप प्रवेश द्वार बना लेते हैं तो कई वास्तु दोष को संतुलित करने की कैपेसिटी इसमें रहती है और वास्तु दोष आपका सही हो जाता है। घर में तोरण लगाएं, घर के दोनों चौकट के दोनों तरफ जो है सो स्वास्तिक लिखें, शुभ लाभ लिखें, उसके बाद घर में एक मांगलिक चिन्ह लगाएं, घर के ऊपर भी मांगलिक चिन्ह लगाएं। तो इस तरह से आप जब करेंगे तो वहाँ की एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी और वह एनर्जी आपको सकारात्मक ऊर्जा घर में देने लगेगा। कोई भी सामान जो आपके घर में बेकार पड़ा हुआ है, बंद पड़ा हुआ है, घड़ियाँ इत्यादि, सबको घर से बाहर कर दें, क्योंकि यह नेगेटिव एनर्जी धीरे धीरे फैलाता है और पूरे घर को, औरा मंडल को अपने गिरफ्त में ले लेता है, अर्थात पूरा घर को नेगेटिव कर देता है। तो इसे भी दूर करें। घर के दक्षिण के क्षेत्र में कभी भी पानी के तत्व को ना रखें, अर्थात रंग के द्वारा या वहाँ पर अंडरग्राउंड टैंक इत्यादि, टॉयलेट इत्यादि, नल इत्यादि, गड्ढा इत्यादि करके पानी भर के रखते हैं लोग, तो ये वास्तु दोष उत्पन्न करता है। चारों दिशा के जो वास्तु दोष हैं, जो देवता है, उसके अनुसार ही उस घर में कोई सामान को रखें, निर्माण करें। तो ये सारे वास्तु दोष समाप्त करने के सूत्र है जो बिना तोड़ फोड़ के हैं, और आपका घर सुखमय हो जाएगा, सकारात्मक हो जाएगा और जीवन में आप खुशहाल रहने लगेंगे। धन्यवाद। फिर मिलते हैं।